दोस्तों, BTS की वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग होने के बाद भी अगर उनके बारे में जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए तो हेटर्स तुरंत उनको टारगेट करने आ जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ हाल ही में जब एक अमेरिकन सिंगर ने गलती से कुछ कलर्ड वर्ड्स यूज़ करने के बाद BTS के बारे में कुछ ट्वीट्स कर दी और उसके बाद BTS को काफ़ी सारे रेसिस्ट कमेंट्स को फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से BTS को काफ़ी सारे बुरे कमेंट्स को देखना पड़ा है। दोस्तों, एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में BTS लॉस एंजलिस गए हुए हैं, जहां पर वो हैरी स्टाइल्स के कॉन्सर्ट में गए थे। हालांकि दोस्तों, इस कॉन्सर्ट में BTS अकेले नहीं थे, क्योंकि वो काफ़ी सारे आर्टिस्ट से भी वहाँ पर मिले और उनके साथ उन्होंने फ़ोटोज़ पोस्ट करी थी। दोस्तों, इसमें से एक आर्टिस्ट थी लीजो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लीजो BTS की कितनी बड़ी फ़ैन है, लेकिन लॉस एंजलिस में जब वो उनसे मिली तो सभी में काफ़ी अच्छी दोस्ती नज़र आ रही थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने लीजो के साथ काफ़ी सारी पिक्स भी खिंचवाई, जिसको लीजो ने पोस्ट करा था और बहुत ही सारी आर्मीज का इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था। हालांकि दोस्तों, कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से BTS को काफ़ी सारे हेट कमेंट्स को झेलना पड़ा। दोस्तों, एक्चुअली इस कॉन्सर्ट में लीजो के साथ साथ दूसरे अमेरिकन सिंगर जिनका नाम SZA है, वो भी मौजूद थी। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिस ट्वीट की मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं, अब उसको डिलीट कर दिया गया है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर दिया गया है। तो आप उस अमेरिकन सिंगर के वजह से कुछ भी हेट प्रोड्यूस मत करिएगा। तो दोस्तों, हम बात करें हैं अमेरिकन सिंगर SZA की। तो दोस्तों, क्योंकि दोनों सिंगर साथ बैठी थी, बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि जब लीजो के साथ BTS की फ़ोटो है तो आखिर उनके साथ क्यों नहीं है। और दोस्तों, इस पर उन्होंने ट्वीट करके बोला कि लीजो ने BTS को SZA से इंट्रोड्यूस तो करवाया था, लेकिन BTS ने फिक्र नहीं करी। दोस्तों, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि दे डिडंट केयर, जिसका मतलब होता है कि BTS को फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। हालांकि दोस्तों, एक्चुअल में उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे इससे यही साबित हो रहा था कि वो कहना चाहती हैं कि लीजो ने BTS को उनसे मिलवाया, लेकिन BTS ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए उनके साथ उनकी फ़ोटो नहीं है। हालांकि दोस्तों, जैसे ही SZA के फैंस ने ये ट्वीट देखी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और BTS के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने BTS को कोरियन होने की वजह से उन्हें फिर से ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने उन्हें चाइनीज़ बॉयज़ बुलाया और इसके साथ साथ उनकी छोटी आंखों पर भी बुरे बुरे कमेंट्स करे और इसके साथ ये भी बोला कि BTS फ्रेंडली नहीं है, आखिर कैसे वो किसी को ऐसे इग्नोर कर सकते हैं। ये भी कहा कि BTS एशियन आर्टिस्ट की तरफ रेसिज्म करते हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हालांकि दोस्तों, जब हेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो BTS की आर्मीज ने आकर फिर से उन्हें सपोर्ट करा और दोस्तों, ट्विटर पर लीव BTS अलोन ये हैशटैग ट्रेंड होने लगा। दोस्तों, बहुत सारी आर्मीज ने वीडियो शेयर करी जहां पर BTS भी SZA को हग करते हुए दिखाई दिए, यानी उन्हें गले से लगाते हुए दिखाई दिए। और बहुत सारी आर्मीज ने इस बात को क्लेम करा कि आखिर SZA ऐसा कैसे कह सकती हैं कि BTS ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि वी ने तो उन्हें जाकर खुद हग किया था जब लीजो ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी ने उनसे बात भी करी थी और जब लीजो ने बताया कि उनके साथ ये आर्टिस्ट आई हैं तो वी ने उन्हें बहुत ही अच्छे से ग्रीट करा था, और ऐसे में वो ऐसी बात कैसे कह सकती हैं जिसकी वजह से BTS को इतने हेट कमेंट्स झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, जब SZA ने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उन्होंने अपनी पुरानी ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर से एक आर्मी को रिप्लाई करते हुए उन्होंने बोला कि ये वही मोमेंट था जब लीजो ने मुझे वी से इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि क्योंकि वी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और बहुत शोर था, इसीलिए वो समझ नहीं पाए थे और इस बात की फिक्र करे बिना उन्होंने तुरंत ही मुझे गले लगा लिया। दोस्तों, SZA ने एक्सप्लेन करा कि उनका मतलब ये था कि वी ने बिना कुछ समझे मुझे गले लगा लिया, और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। तो उनका मतलब बस इतना था कि लीजो ने जब उनसे मिलवाया तो भले ही BTS को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें अच्छे से ग्रीट करा और उनका मतलब नेगेटिव वे में ले जाना बिल्कुल भी नहीं था। तो जो लोग भी इस बारे में बुरी बातें कर रहे हैं वो ना करें।
हालांकि दोस्तों इसके बाद भी BTS आर्मी काफी गुस्सा है क्योंकि उनका कहना है कि एक छोटी सी गलती की वजह से BTS को इतनी हेट सुननी पड़ी और हाल ही में वो लॉस एंजलिस गए हैं और अगर वहाँ के लोग उनको ऐसे हेट करेंगे तो BTS अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और इसीलिए वो चाहते हैं कि SZA BTS से माफ़ी मांगे इतनी गलत ट्वीट करने की वजह से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें और दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।